सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते समय कभी भी प्रसाद का प्रयोग न करें। जब भी भगवान शिव को जल अर्पित करने जाए तो भांग धतूरा और बेलपत्र का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि प्रसाद के रूप में महादेव जी को भांग धतूरा और बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है। भांग और धतूरा भगवान शिव का सबसे प्रिय प्रसाद है, इसलिए जब भी भगवान शिव को जल अर्पित करने जाए तो बेलपत्र, भांग और धतूरा का फल और फूल अवश्य लें। अगर नहीं मिले तो उसका पत्ता भी लें।